कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि अगर आपके शरीर में प्रतिजन पहुंच गया है और उस प्रतिजन के पहुंचने से आपका शरीर ने एंटीबॉडी बना दिया, तो वो हो गया आपको एक्टिव इम्यूनिटी, आपके शरीर ने बना दिया है तो एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। उसके बाद दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, में क्या है कि अगर ए आदमी को कोरोना हो गया है और ये ठीक भी हो गया है, बी को भी कोरोना हुआ बाद में, लेकिन इसकी क्षमता इतनी नहीं है कि एंटीबॉडी बनाए, तो ए से लेकर के और बी में डाल दिया था, अगर ऐसा किया जाता है तो ये आपका पैसिव इम्यूनिटी या निष्क्रिय प्रतिरक्षा या निश्चेत भी कह सकते हैं, निश्चेत प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, इसका जो शुरुआती दौर में जो दो बीमारियों पर खोज किया गया था, टिटनस और डिप्थीरिया, उसी को खोज के चक्कर में यानी उसी को निजात करने के चक्कर में, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने यानी कि उसका समाधान हो जाए, दो वैज्ञानिकों ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था पैसिव इम्यूनिटी का, मतलब खुद से ही डेवलप कर लिया एंटीबॉडी तो एक्टिव हो गया, लेकिन खुद से नहीं बना पा रहा है एंटीबॉडी तो दूसरे का एंटीबॉडी आपके शरीर में इंजेक्ट करा दिया गया, तो ऐसे में क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए, उदाहरण मैंने बता दिया है। चलिए अब एक वर्ड सीखते हैं, हल्का है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक वर्ड है एंटी सीरम। एंटी सीरम क्या होता है? एंटी सीरम इतना समझ गए तो एंटी सीरम भी समझ जाइएगा। यहां मैं लिखता हूं एंटी सीरम। मैंने बताया था एक दिन कि ब्लड में सीरम होता है, और मैंने ये भी बताया था कि जब ब्लड जम जाता है तो हल्का पानी पानी सा दिखता है, ठीक है, वही सीरम होता है। तो यहाँ एंटी सीरम का कॉन्सेप्ट ठीक वही कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा रहा था, यानी कि ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के अंदर अब बीमारी ठीक हो चुकी है, अब ए व्यक्ति के एंटीबॉडीज को लेकर के हम बी में डाल रहे हैं, यहाँ थोड़ा बदल देंगे, ए व्यक्ति के अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप हुआ है वो सीरम के पास है, उस सीरम को लेकर के बी में डाल दिए। ए व्यक्ति के सीरम के अंदर क्या एंटीबॉडी है जिसकी हमें आवश्यकता है, और ए व्यक्ति के एंटीबॉडीज को यानी वाले सीरम को बी में डाल दिए, तो ऐसे में ये जो सीरम इसमें आ गया वही है एंटी सीरम, उसी को एंटी सीरम कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, एंटी सीरम, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी समझ में आ गया? इनको दिक्कत है बोलिए। सर एंटीबॉडी डालना हो गया पैसिव इम्यूनिटी, और सीरम डालना हाँ हो ठीक है, गया एंटी सीरम, एंटी सीरम। ठीक है, जो कि किसमें के अंतर्गत आएगा, जो कि पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत ही आएगा, ये भी पैसे बना एक्टिव जी। इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का हमने कॉन्सेप्ट दे दिया। एक्टिव का मतलब कि आपका शरीर खुद ही एंटीबॉडी बना दिया, पैसिव का मतलब है कि आपका शरीर एंटीबॉडी नहीं बना रहा था, आपको दूसरे से एंटीबॉडी लेना पड़ा, तो आपके लिए ये स्थिति पैसिव इम्यूनिटी की होगी, और इसी के अंतर्गत एक उदाहरण के रूप में एक एप्लीकेशन में ये मतलब हुआ कि अगर हमको एंटीबॉडी दूसरे को देना है तो सीरम के अंदर एंटीबॉडी होता है, उसी सीरम को हमने बी में डाल दिया, अब ये सीरम एंटी सीरम कहलाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये खोज कैसे हो गया, दो वैज्ञानिक जो बेहरिंग थे और एक का नाम मैंने बताया एक का नाम से नहीं दिया हुआ है, ठीक है जो भी है वहां पूछेगा भी नहीं, तो दो बीमारियों की खोज के दौरान, टिटनस और डिप्थीरिया के खोज के दौरान, इसका उपाय निकालने के दौरान इस कॉन्सेप्ट को बेहरिंग ने पैसिविटी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। फिर मैंने बताया कि ये जो एंटीसीरम वाला कॉन्सेप्ट है वो कोरोना के इलाज में भी प्रयोग किया गया, लेकिन कदापि ये न समझे कि सिर्फ इसी तरीके का प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी का भी कोरोना के इलाज में प्रयोग किया गया था, और ये हमेशा होता ही ऑटोमेटिक होते रहता है, ऑटोमेटिक होते रहता है, या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा करवाया भी जाता है। मान लिया जाए कि पोलियो, पोलियो बच्चा जन्म लेते थोड़े पोलियो हो गया, नहीं हुआ, लेकिन बच्चे में पोलियो का टीकाकरण कर दिया गया ताकि थोड़ा अगर बड़ा हो जाए पोलियो कहीं से पोलियो मारे अगर संभावना हो तो उससे बचा ले, तो इसका तो प्रयोग हमेशा से होते रहा है।
ये प्रयोग तब होता है जब लगता है कि इसे नहीं काम बनने वाला है। चलिए अब किसी को बोलना है बोलिए, बोलने के लिए मना। सर सर पहला सवाल मेरा ये है कि सर इसके द्वारा जो ये पैसिव जो ये इम्यूनिटी करवाया जाता है तो इसके द्वारा कहीं जो है सही में कोई रिएक्शन तो नहीं होता है, यानी कोई इसका जो है साइड इफेक्ट होता है क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि इसका कोई एग्जांपल दोनों का हो तो वो बताइए, जैसे कि जो दिल्ली में चालू किया गया था ब्लड की जो जो भी कोरोना से में जो बाहर आ गए हैं उनके ब्लड सैंपल को लेकर के दूसरे में डाला जा रहा था, तो क्या ये जो है क्या एग्जाम्पल के रूप में लिया जा सकता है? ये दोनों के लिए एक ही है जी, दोनों के लिए वैज्ञानिक एक ही है। एमिल बेहरी ने ही दोनों पर काम किया था और उन्होंने ही पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था एमिल बेहरी। अब रहा सवाल कुंदन जी का, तो सबसे पहली बात कि हर जगह उदाहरण तो मिलता नहीं है इतना, क्योंकि उदाहरण देने के चक्कर में कुछ पढ़ाइयां अधिक भी हो जाती है और हमें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, मुझे भी बुक पर डिपेंड होना है। तो जो मैंने उदाहरण दिया है वो एक संभावना के रूप में दे दिया है कि संभवतः ये आपको आ सकता है, ठीक है। अब कोरोना की बात हुई तो कोरोना का किस हॉस्पिटल में इसका प्रयोग किया गया नहीं पूछने वाला है, टेंशन लेने कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ आपसे डीप नहीं पूछने वाला है। मैं तो इसलिए इतना समझा दे रहा हूं कि थोड़ा सेफ गेम खेलना है मुझे, इसलिए उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं, एक प्रतिरक्षा प्रणाली का एक और टॉपिक है जिसका नाम है एलर्जी। जितना बताया जा रहा है वो लूसेंट और क्वेश्चंस, बस इतना ही करना है। मेरे पास जो जो आएगा मैं दे दूंगा आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा। अगर नहीं दे रहा हूं तो या तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है या फिर प्राप्त होकर भी मैंने उसको इग्नोर किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज को नहीं ले आ सकता है। हाँ आप अलर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। एलर्जी क्या होता है पता है आप लोगों को? एलर्जी क्या है? कोई भी चीज का कोई नई चीज अगर आपके बॉडी में आ रही है और आपका बॉडी उसको रेस्पॉन्ड मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस सेंस में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपके बॉडी में दिखाई देगा कि हाँ ये जो आपके बॉडी में आया है कुछ चेंजेज हो रहा है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बॉडी, ठीक है। बिल्कुल सही है, प्रतिरक्षण प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट है बॉडी आपका शरीर प्रतिजन के आने पर, आपके शरीर में जब प्रतिजन का प्रवेश होता है तो बॉडी क्या होता है, रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ करता है, जैसे एंटीबॉडी बनाएगा रक्षा करने के लिए और दूसरी भी क्रियाओं को भी करते रहता है, जैसे प्रदाह का मैंने बताया था, प्रदाह जैसी क्रियाओं को भी करेगा ताकि आपको सूचित किया जा सके कि आपके साथ प्रॉब्लम है और आप उस पर ध्यान दें। क्यों सूचित किया जाता है? क्या वो कहेगा डॉक्टर के पास ले जाओ? नहीं, शरीर तो नहीं कहता है कि डॉक्टर के पास ले जाओ, शरीर कहता है कि फला चीज से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कृपया उसको अवॉइड कीजिए। जैसे आप कोई तेल ज्यादा खा रहा है, कोई मान ले जाए कुछ मिर्चा ज्यादा खा रहा है, तो प्रदाह जो है ये दिखाता है कि भाई आपको इससे प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको मत खाइए, आपका शरीर इसके लायक नहीं बना है। आप देखिए कोई कोई आदमी 20-20 अंडा खा सकता है, मैं एक समय में था जब इलाहाबाद में अगर एक अंडा मैं खा लूं, एक अंडा, तो मैं 20 दिन तक बीमार रहता था, 20 दिन तक कुछ ही नहीं कर सकता, समझ जाइए। हाँ अब मैं एक अंडा खा लूं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट 3 अंडा खाने पर अभी भी दिक्कत है। तो बॉडी अलग अलग होता है, तो मैं ये बता रहा हूं कि प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया प्रतिरक्षा का साइड इफेक्ट है, जब बॉडी के अंदर कोई ऐसा चीज जाए, ऐसा पदार्थ जाए जिस पदार्थ के प्रति आपका शरीर अति संवेदनशील हो गया, हाइपर सेंसिटिव हो गया है, अति संवेदनशील होने की स्थिति में वह कुछ लक्षण दिखाता है कि ये पदार्थ आपके लिए सही नहीं है, उचित नहीं है, तो वो जो लक्षण है वही एलर्जी है, मतलब प्रतिरक्षा का ही एक साइड इफेक्ट है एलर्जी, ठीक है। इतना काफी है, एक बस वर्ड सीखते जाइए इसमें। ये तो मैंने समझा दिया कि प्रतिरक्षण तंत्र का अति संवेदनशील जब हो चुका है तो बहुत अधिक मात्रा में वो अगर पदार्थ शरीर में पहुंच गया तो ऐसे में आपका शरीर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, एलर्जी के द्वारा होता है। भूलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं,
मेरा जो बीमारी था जो कि फेमस रहा है दिल्ली में, कुछ लोग जानते हैं बीमारी को, अभी भी दिल्ली में तीन टीचर, अजीत झा, रजनी सर, एक और टीचर है जो, हाँ राजू सर भी जानते हैं, तो पता है मेरी बीमारी के बारे में। तो उसमें क्या होता था मेरे साथ, जब भी मैं कुछ खा लेता था तो तुरंत ही, मतलब कुछ ही देर के अंदर ही वीकनेस शुरू हो जाता था, और वो था एक्सेसिव म्यूकस का सेक्रेशन होता था, क्योंकि जो छोटी आंत होती थी जिसमें खाना पचता है वो क्या करता था, डिफेंस से म्यूकस बनाता था, चाहे वो एकदम सिंपल सामान क्यों नहीं खाए, मतलब उसके लिए हर चीज एलियन ही लगता था, मतलब मेरे बॉडी के लिए, चाहे मिर्चा खा ले या फिर दूध खा ले या फिर करेला खा ले, ठीक है, या बाहर का खैर कुछ खाना, अंडा खा ले, जो भी खा ले, शरीर क्या होता था, हाइपर सेंसिटिव हो गया था और तुरंत इरिटेट महसूस करता था, तुरंत सेक्रेशन म्यूकस का होता था। म्यूकस क्या होता है, ये भी पूछ सकता है, म्यूकस मार जैसी लिक्विड होता है जो स्टूल के साथ निकलता है, और ये नहीं कि हमेशा स्टूल के साथ भी होता है, नाक में जो आप है वो भी म्यूकस ही कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या था, एलर्जी था, ये क्या क्या हो रहा है, एलर्जी, छोटी आंत का जो सतह है उस सतह को लग रहा है कि ये मिर्चा जो है हमारे हमारे शरीर को जला देगा, तो वो नहीं जला सके, वो मिर्चा जो मैंने खाया वो नहीं जला सके, उसके सतह से ही लिक्विड निकलना शुरू कर गया। अब क्या हो गया, लिक्विड क्या हो गया, लेयर बन गया, तो यहां से जो मिर्चा आ रहा है, वहां जो पदार्थ आ रहा है जिसके प्रति हाइपर सेंसिटिव है, इसके लिए प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है, ठीक है। तो ये उससे आप भी, इसको भी आप उससे जोड़ के समझ सकते हैं। एलर्जी में एक वर्ड है एलर्जेंस, एलर्जेंस क्या हो, मान ली पूछ, एलर्जेंस क्या हुआ तो क्या बताएंगे आप, बताइए क्या बोलेंगे इसके लिए, जिसके कारण एलर्जी हुआ है वो एलर्जेंस, जिस वजह से। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत आसान है। एलर्जी को पैदा करने वाला, जिसके वजह से एलर्जी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एलर्जेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे। अब आइए एक और वर्ड, इसका वर्ड सुनना है, प्रदाह। कई लोगों को प्रदाह नहीं समझ में आ रहा है, प्रदाह क्या बोल दिए, तो प्रदाह प्रतिक्रिया होता है, जैसे शरीर में जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है वहां गर्म हो जाएगा, या नहीं गर्म हुआ तो फुलाव फूल जाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा भी स्थितियां हो सकती है, प्रदाह हो गया, फुलाव हो गया, दर्द तो होता ही है, दर्द हो गया, या भक्षी कोशिका वहां आगमन हो जाएगा, भक्षी कोशिकाओं का आगमन वहां हो जाएगा, ठीक है। कई बार जो है प्रदाह इतना भयानक हो जाता है, प्रतिक्रिया इतना भयानक हो जाता है कि व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अब बोलिएगा सर आप तो नहीं मरे, आपको तो बहुत ज्यादा होता था, तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। जब बहुत डॉक्टर चिंतित हो गए थे मेरे, तो मेरे डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट कराया, ठीक है, और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया था कि आपका डीएनए इतना मजबूत है कि आप बीमारियों से भले ही परेशान रहिए, लेकिन वो बीमारियां जो है आपका जो मेन, उसको भूल गया कोई वर्ड इस्तेमाल किया गया था, उस चीज को कभी डैमेज नहीं कर सकती है। साधारण शब्दों में ये कहा गया कि आपको कोई बीमारी आके परेशान तो करेगी, लेकिन अस्थायी रूप से रह नहीं सकती, आपको मार नहीं सकती है। ये डीएनए रिपोर्ट, मतलब डीएनए टेस्ट कराया गया था उसके लिए। तो ये बात है, इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। किसी किसी के लिए प्रदाह सामान्य होता है, और देखिएगा फूल गया, दर्द हो गया, ठीक हो गया, किसी किसी के लिए उसी दर्द के चलते डॉक्टर के पास पहुंच जाना पड़ता है, वही प्रदाह अगर एक्सेस हो जाता है तो उसकी मौत भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम का लेवल क्या है। तभी तो लोग कहता है कि अच्छा खाते रहो, मोटे हो जाओ, स्वस्थ रहो, ताकि अगर ऐसा कोई प्रदाह का सामना करना पड़े तो बच गए। और ये इम्यूनिटी वाला मामला देखे हो, कोरोना काल में ज्यादा लोग ध्यान दे रहे थे। एलर्जन समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ऑटो इम्यूनिटी जिसको कहते हैं स्व प्रतिरक्षण, स्व प्रतिरक्षण बहुत आसान है, कई चीजें आपको बायोलॉजी की किताब में, सॉरी क्वेश्चंस में आपको बहुत आसान मिलेगी, लेकिन उसमें क्या करता है, कुछ वर्ड ऐसा डाल देता है, कुछ ऐसा वर्ड डाल देगा जो आपको बड़ा डरा देगा। तो इस डर से बचने का तरीका जानिए क्या है। डर से बचने का तरीका यह है कि आप मान, दिमाग के अंदर आपको बैठाना पड़ेगा, अच्छे से बैठाना पड़ेगा, कई लोग बैठा ही नहीं पाते हैं, बैठाना पड़ेगा बीपीएससी का क्वेश्चन जो है सीडीपीओ का ही क्वेश्चन है, बीपीएससी क्वेश्चन सीजीएल लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन एसएससी लेवल का ही क्वेश्चन है। क्यों, साइंस में ऐसा ही होता है, साइंस वाले क्वेश्चन में लगभग लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन सभी प्रश्नों में नहीं होता है, झूठ का बवंडर नहीं,
20 क्वेश्चन अगर पूछता है तो 5 क्वेश्चन आपको जरूर कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, मतलब हार्ड पूछेगा। लेकिन अगर 5 की बात हम करते हैं तो 25 की बात छोड़ नहीं कर सकते, है ना। इसे दिमाग के अंदर ये बैठाना है कि बहुत हार्ड भी नहीं है, और ये बैठाए रहेंगे तो आपको क्या पड़ेगा, वहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप अंग्रेजी वाला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, इंग्लिश वाला मतलब क्वेश्चन से लोग जो है ना वो सौतेला व्यवहार करते हैं, इन्हें ना उधर हम तो नहीं देखेंगे। जैसे हिंदू लोग कोई कोई कट्टर हिंदू होते हैं, अरे ना मुस्लिम उसकी दुकान पर नहीं जाएंगे, ये सब फालतू चीजें हैं, एकदम से नकारात्मक सोच है। आपको इंग्लिश वाला जरूर पढ़ना चाहिए, कई बार इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है, और ये बायोलॉजी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जहां भी इंग्लिश वाला वर्ड है, जैसे एलर्जेंस है, कुछ भी वर्ड है, वो मैं ऑलरेडी लिख रहा हूं। तो चलिए आगे चलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या हुआ, देखिए मेरा आप लोग के रोल क्या है, मेरा आप लोग के रोल क्या है, बीपीएससी की तैयारी करना हो, साइंस या कुछ भी पढ़ाना हो, तो समझिए कि घाटियां है, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, पत्थर है, वृक्ष है, बहुत सारे वृक्ष है। आप अगर अपने से करेंगे, और डिस्ट्रैक्शन भी है, कभी यूट्यूब है, कभी टीचर है, कभी नोट्स है, बहुत सारा है। मेरा काम क्या है कि आपको इन घाटियों से, इन डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए आपको क्या करना है, लक्ष्य की तरफ ही रखना है। कई बार आप पढ़ते पढ़ते आप खुद सोचेंगे अरे बड़ा अच्छा चीज दे रहा है, थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और पढ़ लेते। भाई थोड़ा और पढ़ लेंगे तो वो तो पूछने वाला नहीं है। अगर मान लिया जाए कि पूछने की संभावना भी है, तो संभावना तो बहुत कुछ पूछने की है, तो आप उतनी संभावनाओं पर थोड़े जाएंगे, आप प्रबल संभावनाओं पर जाएंगे। तो मेरा काम यही कि आपको बचा के रखे कि भाई यहां मत जाओ, इसे कोई फायदा नहीं है, ये इसको मत पकड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते ही रहना है। इसे बहुत कुछ चीजों को मैं छोड़ता हूं, क्योंकि अब